नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल अलका हॉबी जंक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? क्लीनिंग। आज के टाइम में हमें साफ सफाई का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारा फर्श हो, चाहे वो हमारा किचन हो या विंडो हो, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन्फेक्शन का इतना खतरा फैला हुआ है कि हर चीज क्लीन होनी चाहिए। तो आज मैं आपको दो तरह से क्लीनर बताऊंगी जो आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये बिल्कुल लो बजट में बन जाती है और इससे हमारा किचन इतना अच्छा क्लीन होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक मैं आपको ऑल पर्पस क्लीनर बताऊंगी और एक मैं आपको किचन क्लीनर बताऊंगी। ऑल पर्पस क्लीनर से आप किचन, विंडो, कहीं भी फ्रिज, जो भी चीजें, आप सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। और एक फ्लोर क्लीनर बताऊंगी। फ्लोर क्लीनर से आप अपने फर्श को बहुत ही अच्छे से चमका सकते हो। ऑल पर्पस क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तीन चीजें ली हैं, आप देख सकते हैं। ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा हमने लगभग 2 चम्मच लिया है। 2 टेबल स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है, 2 टेबल स्पून वेनेगर लिया है और 1 टेबल स्पून हम डिश वॉश सोप लेंगे, जो लिक्विड डिश वॉश सोप आते हैं ना बर्तन धोने के लिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का आप ले, तो ये लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में हम लगभग 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। 1 से 1.5 गिलास पानी डालें, जितना आपको बनाना हो। मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अगर आप 2 गिलास पानी का बना रहे हो तो इसके जस्ट डबल क्वांटिटी डालें, ठीक है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून वेनेगर डालेंगे। और 1 चम्मच डिश वॉश सोप डालेंगे। एक बार मेरे कहने पे आप इसे किचन क्लीन करके देखें, किचन बिल्कुल आपका जगमगा उठेगा। जो भी गंदगी होगी सब कुछ क्लीन हो जाएगी। और लगभग 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल झाग बन रही है। अब हम इसे एक बॉटल में भर लेते हैं। ये हमारा ऑल पर्पस क्लीनर बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें झाग हो रहा है, ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारे किचन क्लीन में भी बहुत काम आती है, चाहे आप गैस वगैरह जो भी आप क्लीन करना चाहें, और किसी भी चीज को आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अब हम इसे एक बॉटल में भर लेते हैं। ये देखिए हमारा ऑल पर्पस क्लीनर और किचन क्लीनर, जो भी आप इसे कह लीजिए, बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल लो बजट में। एक बार आप इसे जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है। अब मैं आपको फ्लोर क्लीनर बनाना सिखाऊंगी। फ्लोर क्लीनर के लिए भी हमने एक बॉल में पानी लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी आप 2 महीने के लिए बना ले, 3 महीने के लिए बना ले। अगर बार बार आप नहीं बनाना चाहते हो तो एक बार में ही आप बनाकर बॉटल में भरकर रख सकते हो। फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए भी हमें 3 चीजों की जरूरत है। ये मैंने सॉल्ट लिया है, वेनेगर लिया है। आप या तो वेनेगर या फिटकरी, दोनों में से एक चीज डाल सकते हो, जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल हो। और ये देख सकते हैं मैंने कपूर लिया है। कपूर से क्या होता है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप फर्श पे पोछा लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी और इससे जर्म्स भी मरते हैं। तो अब इस पानी में हम लगभग 2 चम्मच वेनेगर डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून हमने नमक डाला है। नमक से क्या होता है कि मक्खियां भी नहीं लगती हैं। और लगभग 5 से 8 जितना भी आपको डाले, कम से कम 5 तो आप डाली ही। अगर आप एक बॉटल बना रहे तो 5 से 10 के बीच किसी भी क्वांटिटी में डालें। कपूर बहुत ही अच्छी है, इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मैंने अपने YouTube में अपलोड भी की है कि कपूर के क्या क्या फायदे हैं, आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो। कपूर को हमें चूर नहीं करना है, उसे एज इट इज हम बॉटल में भर देंगे, धीरे धीरे अपने आप पानी में घुल जाएगी। अब हम इस पानी को भी एक बॉटल में भर लेंगे।
अब आप देख सकते हैं हमारा ऑल पर्पस क्लीनर और फ्लोर क्लीनर बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कि ये कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन जाता है बिल्कुल कम चीजों में, जो हमारे पास बहुत इजीली घर में अवेलेबल होती है। हम मार्केट जाते हैं तो महंगे महंगे फ्लोर क्लीनर लेके आते हैं, और खासकर आज के टाइम में तो हर कोई अपने किचन को अपने फ्लोर को पूरा क्लीन रखना चाहता है ताकि इन्फेक्शन से बचे रहे। तो दोस्तों आप इस चीज को एक बार जरूर ट्राई करें, आप देखेंगे कि आपका किचन बिल्कुल जगमगा उठेगा। तो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कुछ डिफरेंट लेके आऊं आपके लिए। तो आज मैंने आपको किचन क्लीनर और ऑल पर्पज क्लीनर बताया और साथ ही एक फ्लोर क्लीनर भी बताया। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक चीज मैं और देखती हूँ कि बहुत लोग वीडियो सब्सक्राइब तो करते हैं और बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें सकते हो। और एक बात हाँ, इसे यूज कैसे करना है, अगर आप फ्लोर क्लीनर यूज करें तो पोछे के जो बाल्टी होती है उसमें एक ढक्कन इसको डाल दें, बस उतना इनफ होता है। और अगर आप किचन क्लीन कर रहे हो तो स्प्रे की जो बॉटल है उससे आप स्प्रे करके वाइप से क्लीन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप उसको पानी से क्लीन कर